Jai Sri Swaminarayan. Good morning students. How are you? Fine. आज हम 6th चैप्टर में जोएली डमरूनी रमत उसकी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे. तो सबसे पहले वो चैप्टर समझ लिया था. 1, 2 and 3 एक्सरसाइजें क्वेश्चन आंसर एंड समानार्थी शब्द हमने लिख लिए थे. अब 4th नंबर की एक्सरसाइज है विरोधार्थी शब्दों लिखो. तो हम यह सबसे पहले नोटबुक में लिखेंगे और पहले समझेंगे. तो विरोधार्थी शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड जो इंग्लिश में आप करते हो, मतलब उससे उल्टा शब्द. ठीक है, तो सबसे पहले अचानक. तो कुछ भी हुआ तो अचानक हुआ, तो अगर अचानक नहीं हुआ तो पहले से होता है ना. तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले थी. उसके बाद है आनंद. तो क्या आएगा ऑपोजिट वर्ड में? आनंद खुश है सब. तो क्या होगा? दुखी. तो मतलब दुख, उदास. उसके बाद थर्ड है कड़क. तो क्या आएगा? पहुँचूँ. उसके बाद है फोर्थ रड़वूँ, जो रो रहा है. तो रोएंगे नहीं तो उससे उल्टा क्या होगा? हंसेंगे. तो होगा रड़वूँ तो हंसवूँ. ओके, अब पेज नंबर 26 ओपन करना है. उसमें 5 नंबर का है वचन बदलो. वचन में एक वचन और बहुवचन ऐसे होते हैं. तो यहाँ पे जो भी वचन है, मतलब एक वचन में हो तो बहुवचन में लिखना है. आप पहले भी जान चुके थे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ. एक चीज़ है तो वो एक वचन में उसका नाम आएगा, और एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा कुछ भी है तो उसका नाम है वो बहुवचन में आ जाएगा. जैसे कि छोकरो, तो छोकरो है वो एक ही है तो एक वचन. अब बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा हो गए तो होगा छोकराओ. बराबर, उस तरह से वो बहुवचन में आ गया. तो यहाँ पे कोई एक वचन में लिखा हुआ है उसमें ऐसे हमें दूसरा वचन बदल कर लिखना है. तो सबसे पहला है बाढ़क, मतलब यहाँ पे एक ही है बाढ़क. ओके, तो बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा हो गए तो क्या लिखोगे? बाढ़को. ओके, तो हम लिखेंगे बाढ़को. उसके बाद सेकंड है लाकड़ी. लाकड़ी मतलब ये भी एक ही है तो ये भी एक ही वचन में है. तो दो या दो से ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? लाकड़ा. लाकड़ा, लाकड़ी मतलब लकड़ी बोलते हैं ना हम, तो लकड़ी, तो लकड़ियाँ जैसे हिंदी में होता है, तो लाकड़ी तो लाकड़ा. ओके, उसके बाद है विद्यार्थी, मतलब एक ही विद्यार्थी है तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी ओ. ठीक है, उसके बाद है फोर्थ कसरत, तो क्या हो जाएगा? कसरत. ओके, ये हो गया एक वचन से बहुवचन. अब 6 नंबर का है खाली जगह पूरो. फर्स्ट है खाली जगह आवाज़ आव्यो. तो कैसा आवाज़ आ रहा था? डूम डूम, तो डूम डूम आवाज़ आव्यो. उसके बाद सेकंड है एक गरड़ा बाए तेने बे खाली जगह आप्या. क्या दिए थे? अंडे. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंडा. ओके, तो एक गरड़ा बाए तेने बे इंडा आप्या. उसके बाद है हमणा नहीं कर से तो खाली जगह कर से. तो हमणा नहीं कर से तो क्या रे कर से. ओके, उसके बाद फोर्थ है हाथ पर ज खाली जगह होवाना आवा परिवार की खाली जगह मने जोवा मड़ी. तो यहाँ पे दो फिलिंग द ब्लैंक्स है. तो हाथ पर ज पेट होवाना आवा परिवार की रमत मने जोवा मड़ी. ओके, उसके बाद है 7th नंबर की एक्सरसाइज आपेला वाक्य प्रचारनो अर्थ कई शब्दों में प्रयोग करो. तो यहाँ पे अर्थ भी लिखना है उसका और उसका शब्दों में प्रयोग भी करना है. ठीक है, तो सबसे पहले है ध्यान जवूं. तो क्या होगा उसका मतलब? एकाग्र थई जवूं. उसके बाद है हाथ पर पेट होऊं, तो रोज रोज नो कमाई ने खावूं. ओके, उसके बाद प्रवृत्ति है मतलब एक्टिविटी. तो उसमें फर्स्ट है रास्ता पर थवा वाली बीजी रमतों नो नाम लखो. आपने ये डमरू की रमत है वो देखी होगी, उसके अलावा दूसरी कोई रास्ते में देखी हो तो उसके नाम अपने आप आपको यहाँ पे लिखने हैं. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. और उसके साथ साथ दूसरा होमवर्क है तुम्हारी मनगमती रमतों विषय 8 से 9 वाक्य माँ लखो. तो आपको जो भी खेल पसंद है वो खेल यहाँ पे उसके बारे में 8 से 9 लाइन लिखनी है. सबके अलग अलग खेल होते हैं. ठीक है, पसंद हो वो, किसी को क्रिकेट है, किसी को फुटबॉल है, टेनिस बॉल है, बैडमिंटन है, तो जो भी जिसको पसंद है उसके बारे में 7-8 वाक्य आपको खुद ही यहाँ पे गुजराती भाषा में लिखने हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. आज एक्सरसाइज नंबर 4, 5, 6 and 7 ये सब नोटबुक में आपको 1 time लिखनी है. ठीक है, ये हो गया आपका होमवर्क.
आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।